डिंग डिंग डांग आई एम बैग हेलो बच्चों आई एम स्मृति पांडे और आज हम जो टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं दैट इज प्रो कैरियोटिक एंड यू कैरियोटिक सेल्स इस टॉपिक में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि कौन से प्रो कैरियोटिक सेल्स है कौन से यू कैरिओटिक सेल्स है और ये एक बहुत बेसिक चीज भी है अगर ये क्लियर नहीं होगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी तो हम लोग इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि प्रो कैरियोटिक और यू कैरिओटिक सेल्स क्या होते ठीक है आप रेडी हैं तो चलिए अगर हम लोग बात करें सेल्स की तो जितने भी प्लेनेट इस प्लेनेट पे चीज़ें हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो ये मेनली हम लोग देखते हैं तो दो कैटेगरी में डिवाइड होती हैं ठीक एक नॉन सेलुलर होते हैं एक सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट इज नॉन सेलुलर एंड सेलुलर तो अब अगर ये नॉन सेलुलर क्या होते हैं नॉन सेल्लो ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनकी बॉडी में सेल्स नहीं होते हैं दे डू नॉट कंटेन सेल्स जैसे कि वायरस वायरस क्या होते हैं इनके पास खुद के सेल्स नहीं होते जब वायरस किसी की बॉडी में जाते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म या किसी सेल्लो मटेरियल की बॉडी में जाते हैं तब वहाँ पे ये एक्टिव हो जाते हैं और अपना काम करने लगते हैं रिसेंट में हम लोग देख रहे हैं कोरोना वायरस है इतना फैला हुआ है पूरे वर्ल्ड वाइड ये क्या होता है लाइक like, अगर ये किसी टेरेस पे है किसी टेबल पे है कहीं और है तो ये उसको नहीं खराब करता है ये जब आपकी बॉडी के कांटेक्ट में मतलब जब आपने उस प्लेस को टच कर दिया है तो वो आपकी बॉडी पे स्टिक हो जाता है और फिर बॉडी के अंदर जाके अपना काम करने लगता है सो so, ये है आपके नॉन सेलर ऑर्गेनिजम्स नासीब वायरसेस के पास मेम्ब्रेन भी नहीं होती है और ये कोई कैरेक्टरिस्टिक लाइफ के नहीं शो करते हैं जब तक कि ये किसी लिविंग बॉडी में एंटर नहीं करते दैट इज प्रो कैरियोटिक सेल और यू कैरियोटिक सेल लिविंग बॉडी जो भी होती है जो भी सेल्लो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये बहुत सारे सेल से बने होते हैं अब मेनली हम लोग देखते हैं तो इसमें बैक्टीरिया आते हैं और प्लांट्स आते हैं तो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ क्या नॉन सेल्लो ऑर्गेनिज्म है और क्या सेल् ऑर्गेनिज्म है सेल्लो ऑर्गेनिज्म वो है जैसे प्लांट्स हैं ह्यूमंस हैं बैक्टीरिया हैं और अदर एनिमल्स हैं तो ये सारे सेल्लो ऑर्गेनिज्म से हैं फाइन इतना चीज़ क्लियर हो गया अब हम लोग देखते हैं कि ये जो सेलो ऑर्गेनिज्म है ये कैसे डिवाइड होते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में तो बच्चों जितने भी सेलो ऑर्गेनिज्म हैं इनका क्लासिफिकेशन दो टाइप से किया गया है और इस क्लासिफिकेशन में बताया गया है कि कुछ प्रोकैरियोट्स प्रो की कैटेगरी में आते हैं और कुछ यू की कैटेगरी में आते हैं तो जो अगर हम लोग सबसे पहले प्रो की बात करें तो प्रो क्या होते हैं प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो प्रिमिटिव होते हैं और इनकम्प्लीट सेल्स होते हैं लाइक like, इनकी बॉडी में कुछ पार्ट सेल्स के अवेलेबल नहीं होते हैं और कहा जाता है कि ये बहुत एंशियन टाइम से हैं प्रिमिटिव पुराने हैं ओके प्रोकैरियोट सेल्स हैव ऑल द थ्री बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल सेल बट लैक न्यूक्लियर मेमरेन अराउंड देयर जेनेटिक सबस्टेंस अब प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास क्या क्या स्ट्रक्चर इनके बेसिक स्ट्रक्चर में होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं साइटोप्लाज्म होता है डीएनए होते हैं राइबोसोम्स होते हैं बट अगर इनकी बात करें तो इनके जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैं वो एबसेंट होते हैं द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल सेल बट लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का इनके पास लैक होता है मतलब नहीं होते जो कि जेनेटिक सब्सटेंस डीएनए के आसपास होता है ठीक अभी डायग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि कहाँ होता है तो ये होते हैं आपके प्रो फाइन इतना आपको क्लियर है कि जो हमारे प्रो कैरियोल हैं ये प्रिमेटिव होते हैं और ये इनकम्प्लीट सेल्स होते हैं साथ ही साथ इसमें कुछ चीज़ों का प्रेजेंट होते हैं कुछ एबसेंट होते हैं जो जो प्रेजेंट होते हैं वो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है साइटोप्लाज्म है डीएनए है राइबोसोम्स है फाइन बट इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होते हैं उनमें लैक होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वो एबसेंट होते हैं फाइन ये ऐसे होते हैं हमारे प्रोकैरियोट्स चलिए आगे बढ़े अब हम लोग प्रोकैरियोट्स बहुत छोटे होते हैं नाउ सी अब अब अगर हम लोग बात करें प्रो की तो इसके कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग को देखने होंगे अब ये क्या कैरेक्टरिस्टिक है सी न्यूक्लियर मटेरियल ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल क्रोमोसोम व्हिच इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द साइटोप्लाज्म जो इनके पास न्यूक्लियर मटेरियल होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के जो न्यूक्लियर मटेरियल होते हैं ये कंसिस्ट करते हैं सिंगल क्रोमोसोम को दे कंटेन सिंगल क्रोमोसोम और ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं साइटोप्लाज्म के साइटोप्लाज्म के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं नाउ सी हियर द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन इन द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड दैट इज देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है तो यहां पे जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है इसका एक नाम दिया गया है न्यूक्लियोइड ठीक है ये होते हैं अब देखिए न्यूक्लियोइड कहां है तो ये है न्यूक्लियोइड यहां पे कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है आप देख सकते हैं इसके सराउंडिंग में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है ये डायरेक्ट ऐसे ही है ओके सी इन प्रो कैरियोटिक सेल अदर मेम्रेन बाउंड ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑल्सो एब्सेंट माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल तो ये जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें कुछ और ऑर्गेनल्स एबसेंट होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया एबसेंट होता है आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या एबसेंट होता है क्या प्रेजेंट होता है तो इसको आप ध्यान से देखिएगा कि हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या क्या प्रेजेंट है क्या क्या एबसेंट है फाइन चलिए आगे बढ़े हम लोग आगे देखते हैं हम लोग इसके बारे में और नाउ सी प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में जैसे अभी हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ओके द प्रोकैरियोट इंक्लूड अब प्रोकैरियोट में क्या क्या आते हैं आर के बैक्टीरिया आते हैं साइनोबैक्टीरिया आते हैं बैक्टीरियाज आते हैं साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं फाइन तो इसमें अगर हम लोग देखें तो मोस्टली यूनिसेलो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया आ रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के अगर आपसे एग्ज़ाम्पल पूछे जाए सो दे आर बैक्टीरिया आर की बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया ये इंक्लूड होते हैं ठीक है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ये हमारे कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं समझ में आई चीज़ें है? ये हैं आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स अब अगर हम लोग बात करें यू की तो ये किया होते हैं देखिए जितने भी प्लांट हैं एनिमल्स हैं या फिर अदर छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं इन सब में यू सेल्स होते हैं दे आर यू एडवांस एंड कंप्लीट सेल ये एडवांस होते हैं कंप्लीट होते हैं कंप्लीट इन द सेंस कि इनके पास बहुत सारे ऑर्गेनल होते हैं जो अपने आप में एक कंप्लीट स्ट्रक्चर होते हैं जो मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है सेल को उसको फुलफिल करते हैं लाइक like, इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया uh, भी है इनके पास डीएनए भी है इनके पास अदर चीजें भी हैं जो फुलफिल कर रही हैं एक सेल की नीड को तो ये सब फुलफिल करते हैं सो दिस इज अ कंप्लीट सेल नाउ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई अदर सेलर ऑर्गेनल्स आर कॉल्ड यू सेल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई भी इनमें होते हैं और बाकी सेल्युलर ऑर्गेनल्स भी होते हैं सेल ऑर्गेनल्स मतलब सेल के अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो सेल के फंक्शनिंग्स में इन्वॉल्व होते हैं फंक्शन को कंप्लीट करते हैं इन्हें हम लोग सेलर ऑर्गेनल्स कहते हैं ठीक है ऑर्गन ऑर्गेनल्स ऑर्गन हम लोग के ऑर्गन्स होते हैं ऑर्गेनल्स सेल के ऑर्गन होते हैं जो उसकी बॉडी में छोटे छोटे होते हैं ये आपका सेल है तो ये ऐसे ऐसे यहाँ पे इसके ऑर्गेनल्स होंगे फाइन

यू की बात करें तो ये यूनिसेलर में भी होते हैं मल्टी में भी होते हैं यूनिसलर अभी हम लोग देखें कि बैक्टीरिया में हमारे प्रो सेल्स होते हैं बट अदर जो यूनिसेलर हैं उनमें यूकैरियोट्स होते हैं मल्टी आप जानते हैं प्लांट्स जो भी आप फ्रूट वेजिटेबल्स खाते हैं वो सब प्लांट्स हैं या जो भी आपको ऑक्सीजन मिल है प्लांट्स के थ्रू मिल है तो वो उसमें मल्टी होते हैं एनिमल्स आपका पेट है बर्ड्स है रेप्टाइल्स है फिशेस है काउ है बफेलो है वाइल्ड एनिमल्स है ह्यूमंस हैं तो ये मल्टी सेलर एनिमल्स में आते हैं फाइन दे कंटेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है न्यूक्लियस भी होता है डीएनए भी होता है साइटोप्लाज्म भी होता है व्राइवोसोम एंड सेलर ऑर्गनल भी होते हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया फाइन इतनी चीजें क्लियर हैं तो ये आपके यू सेल्स में प्रेजेंट होता है ठीक ये आपके यू सेल होते हैं देखिए यहाँ साइटोप्लाज्म है माइटोकॉन्ड्रिया है राइबोसोम है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू दो टाइप के होते हैं रफ एंड स्मूथ ये रफ एंडो रेटिकुलम है ये स्मूथ एंडो रेटिकुलम है फाइन फिर होते हैं प्लाजमा मेम्रेन है कोट है न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस क्रोमेटीन न्यूक्लियर पोर न्यूक्लियर इनवल्प गोल्गी बॉडी सेंट्रीओल फ्री राइबोसोम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोम साइटोप्लाज्म इतनी सारी चीजें इसके पास होती हैं एक कंप्लीट सेल को इसको हम लोग क्या कहते हैं कंप्लीट सेल या एडवांस सेल भी कहते हैं तो आपसे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह भी पूछ सकता है कि कौन से कंप्लीट सेल होते हैं कौन से एडवांस सेल होते हैं कौन से प्रिमिटिव सेल होते हैं कौन से इनकम्प्लीट हैं इतना याद रखना है आपको फाइन चलिए अब हम लोग आगे देखें देखिए ये है आपका यू कैरियोटिक और प्रो कैरियोटिक का स्ट्रक्चर टोटली totally अगर देखिए तो ये आपका यू कैरियोटिक सेल है जिसकी अभी हम लोग जस्ट बात कर रहे थे और ये हमारा प्रो है जिसकी हम लोग पहले बात कर रहे थे फाइन क्लियर है आपको यू कैरियोटिक प्रो कैरियोटिक में इतना अभी आज की क्लास में इसके जो डिफरेंसेस हैं कि मेन डिफरेंसेस क्या होते हैं यू कैरियोटिक प्रो कैरियोट में इसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे तब तक के लिए आप इसे पढ़िए इंजॉय करिए कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं गुड बाय